आज मैं आप सभी के सामने दो थिंकिंग रखने वाला हूँ। पहला है गर्ल्स का थिंकिंग और दूसरा है बॉयज़ का थिंकिंग। अभी कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ इंस्टाग्राम रील में, फेसबुक रील में, यूट्यूब रील में कि गर्ल्स और बॉयज़ बहुत तरह से वीडियो अपलोड कर रहे हैं। गर्ल्स लोग कुछ वीडियो को अपलोड कर रहे हैं जिसमें वो डाल रहे हैं कि हमें आज़ादी नहीं मिलती, हमें ये करने की आज़ादी नहीं मिलती, हमें ड्रेसअप पहनने की आज़ादी नहीं मिलती, हमें अच्छे से हेयर स्टाइल करने की आज़ादी नहीं मिलती। तो मैं गर्ल्स लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि आपको वो सारी आज़ादी मिलेगी जो आप चाहते हो। इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे सब जगह वीडियो अपलोड कर रहे हैं, रील में अपलोड कर रहे हैं, वो लोग भी वीडियो में ये डाल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि मुझे भी आज़ादी नहीं मिलती, हेयर कटिंग की आज़ादी नहीं मिलती, मुझे घर से जाने की आज़ादी नहीं मिलती, मेरे मम्मी पापा मुझे टोकते हैं, ये मत करो, वो मत करो। तो मैं बॉयज़ से भी ये बात कहना चाहता हूँ कि आपको भी वो आज़ादी मिलेगी जो आप करना चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं। अभी मैं कुछ लोगों का उदाहरण देता हूँ जिन्हें स्टार्टिंग में, स्टार्डम में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। गर्ल्स लोगों को मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जैसे कि सानिया मिर्जा है, मैरी कॉम है, ये लोग भी जब फर्स्ट टाइम आप अपने ड्रीम को पूरा करना चाहें तो इन लोगों को भी बहुत सारा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। लेकिन आज देखिए कि ये लोग अपने ड्रीम को पूरा कर लिए हैं और ये जैसा चाहे वैसा ड्रेसअप पहन सकते हैं, जैसा चाहे वैसा हेयर स्टाइल रख सकते हैं और जैसा चाहे ये अपने आप को मेंटेन रख सकते हैं। तो क्या अब इनको अपनी आज़ादी मिल चुकी है? तो ठीक उसी तरह अगर मैं बॉयज़ को बोलना चाहूँ तो बॉयज़ में भी देख सकते हैं महेंद्र सिंह धोनी है, विराट कोहली है, और अभी आप लोगों को मैं बता दूँ कि इंडिया का 101वां यूनिकॉर्न बन चुके हैं पीडब्ल्यू वाले अलका पांडे, फिजिक्स के टीचर है वो। और आप लोगों को पता ही है कि आज के ज़माने के लोगों का थिंकिंग कैसा है, टीचर है तो बाल एकदम सिंपल होना चाहिए, एकदम सिंपल ड्रेसअप होना चाहिए और लोगों से ज़्यादा मतलब नहीं रखना चाहिए। लेकिन वो जो अलका पांडे जो सर हैं, मुझे उनका एक चीज़ बहुत अच्छा लगता है कि उनका कहना है कि फैशन अपने जगह और एजुकेशन अपने जगह, ड्रीम अपने जगह। लेकिन वो टीचर होते हुए भी उनके हाथों में एक टैटू बना हुआ है जो कि बहुत खूबसूरत टैटू है, बट वो लोग उनके वो टैटू को नहीं देखते, लोग उनके टैटू को देखते हैं कौन लोग, जो लोग बुराई करना चाहते हैं, जो उनका उनको नीचा गिराना चाहते हैं। तो अक्सर आप देखिएगा जब आप आगे बढ़ोगे ना तो आपको नीचे गिराने लोग ही आपको बुराई करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप अपने सारे ड्रीम को पूरा करो, खुद को साबित करो, लोगों के सामने नहीं, खुद को साबित करो खुद से कि मैं ये बेटर कर सकता हूँ, तो आपको आज़ादी आपकी मिल जाएगी और आपकी फैमिली भी आपको सपोर्ट करेगी।